रहीम बेटा 5.2 का क्वेश्चन नंबर सॉरी 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू माइनस टू वन एंड टू कहता फाइंड टू बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के बारे में मैंने कल बताया था आपको कि वो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, तो किस पे फाइंड करना है y क्रॉस y में, उनके हमें फिर बेटा एक डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। पहले हम y क्रॉस y निकालते हैं, y क्रॉस y इक्वल टू पहले y बेटा क्या है माइनस टू वन एंड टू ना क्रॉस, फिर बेटा y क्या लिखा जाएगा सेट माइनस टू और वन एंड टू। y क्रॉस y इक्वल टू माइनस टू को पहले इन तीनों के साथ क्रॉस करना है माइनस टू माइनस टू माइनस टू वन माइनस टू टू वन माइनस टू वन एंड वन बेटा मैं क्या वन एंड टू वन एंड टू। अब उसके बाद बेटा क्या है अब टू की बारी है, ये टू भी सबके साथ क्रॉस होगा हाँ टू माइनस टू टू वन एंड टू टू। तो बेटा क्या क्या फाइंड करना हमने इसके दो बाइनरी रिलेशन, इसके कितने रिलेशन फाइंड करने हैं दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। दो बाइनरी रिलेशन को आर से जाहिर करते हैं, आर इक्वल टू क्या है अब इसमें अपने अपनी मर्जी से पेयर लिख लें, जितने पेयर लिखने आप लिख सकते हैं तीन लिखने चार लिखने माइनस टू वन माइनस टू वन एंड टू, ये मैंने अपनी मर्जी से तीन पेयर लिखे हैं। इस तरह बेटा हमने क्या करना है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब लिखेंगे डोमेन, डोम लिखना है डोम ऑफ आर वन, डोमेन इसको कहते हैं बेटा क्या है आर वन की डोमेन, आर वन की डोमेन। डोमेन क्या होता है बेटा ये तीन ऑर्डर पेयर लिखे हैं ना, तो हर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो डोमेन कहलाता है। जैसे माइनस का टू है इसका वन है, इसका भी वन है बेटा एक दफा ही लिखेंगे हम ठीक है ना, ये डोमेन होगी।